बहुत पुराने समय की बात है, मिनतपुर नाम के गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी घर की सीमा की उसकी माँ ने अपने कंधों पर ही ले रखी थी। उसके शहर में फलों की दुकान थी और उन फलों को बेचकर जो भी पैसे मिलते उन पैसों से वो घर का खर्च चलाती, अपनी बेटी को पढ़ाती। ऐसे ही एक एक करके कुछ दिन निकलते हैं और सीमा की माँ सोचती है उसको अब अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में डालना है। वो खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बने। और यही सोचकर उसकी माँ ने उसका एडमिशन बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉलेज में करा दिया। बेटा, मुझे पता है तू पढ़ाई में बहुत तेज है, पर और मन लगा कर पढ़ना। मैंने तेरी पढ़ाई में अपनी सारी कमाई लगा दी है। मैं चाहती हूँ तू एक दिन बहुत बड़ी अफसर बने। मैं तो पढ़ नहीं पाई, पर तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी ना? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं मन लगा कर पढ़ूंगी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आखिर आपने इतने बड़े कॉलेज में जो कराया है मेरा एडमिशन। माँ, पर उस कॉलेज की फीस तो काफी ज्यादा है, हम हर मंथ कैसे भरेंगे फीस? अरे तू चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगी, तू बस मन लगा कर पढ़। ठीक है माँ, मैं बहुत मन लगा कर पढ़ूंगी। ऐसे ही वो कॉलेज जाना शुरू करती है। वो अपनी क्लास में सबसे आगे रहती हर एक काम में, चाहे डांस हो या डिबेट या एनुअल एग्जाम, हर जगह वो ही सबसे आगे रहती। क्लास में हर बच्चा उससे दोस्ती करना चाहता था, कॉलेज में तो बिल्कुल छा ही गई थी वो। और इतना ही नहीं, वो सिलेबस में भी फर्स्ट आती थी। उसके टीचर्स ये सब देखकर बहुत खुश रहते थे उससे। अरे वाह सीमा, लग रहा है इस बार भी तुम ही टॉप मारोगी। क्यों नहीं मैम, आप जो पढ़ाते हो मैं। कॉलेज में उसके अच्छे दिन निकल रहे थे, फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। और हुआ कुछ ये था कि एक बार उसकी माँ दुकान से घर वापस लौट रही थी और लौटते टाइम उनकी एक गाड़ी से टक्कर हुए और उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे सीमा की माँ के जाने के बाद वो एकदम बेसहारा और अकेली हो गई। धीरे धीरे करके उसके पास पैसों की कमी पड़ने लगी और ऐसे उसकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक दिन उसकी प्रिंसिपल उसको अपने ऑफिस में बुलाती है। क्या हुआ मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बैठो सीमा, तुम्हारी पिछले 6 महीने की फीस नहीं आई है, इतनी वार्निंग देने के बाद भी। तो देख लो, जल्दी से फीस का इंतजाम कर लो, नहीं तो मजबूरन हमें तुम्हारा नाम कॉलेज से काटना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको तो पता ही है मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। वही तो थी जिनकी वजह से मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रही थी, पर अब उनके बाद फीस देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, पर प्लीज मेरा नाम मत काटिए कॉलेज से, मेरे पास फिलहाल खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम फीस नहीं दे सकती तो हम तुम्हें इस कॉलेज में नहीं रख सकते। वो वहाँ से निराश होके घर की तरफ चली जाती है और कुछ दिन में कॉलेज से उसका नाम काट दिया जाता है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते रोते आधी रात को घर से निकल जाती है। हे भगवान, उठा ले मुझे, तूने मेरे माँ बाप को तो मुझसे छीन ही लिया, अब मुझे भी बुला ले। ना मुझ पर खाना है, ना घर, अब कुछ नहीं है, मैं कैसे जीऊँ? ऐसा कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ से परी लोग की एक परी गुजर रही होती है। अरे ये क्या,
ये कैसे आई यहाँ? अब इस हालत में तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, क्यों ना मैं इसे अपने साथ परीलोक ले जाऊं? और वो परी उसे अपने साथ परीलोक ले आती है। थोड़ी देर में उसको होश आता है। अरे ये मैं कहाँ हूँ? तुम परीलोक में हो, मैं यहाँ कैसे आई? तुम बेहोश हो गए थे, अगर मैं वहाँ तुम्हें छोड़ कर आती तो तुमको जंगली जानवर खा जाते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वैसे इतने घने जंगल में तुम आधी रात को क्या कर रही थी? वो उसे सारी बात बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप कैसे कर सकते हो मेरी मदद? ये लो, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये है जादुई नेल पॉलिश का पेड़। अपने घर जाओ और इसकी सेवा करो, इसको पानी दो, इसको बड़ा करो, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पे बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगेंगी, जो कि आम नेल पॉलिश नहीं होगी, वो होगी जादुई नेल पॉलिश। हर नेल पॉलिश से तुम एक विश मांग सकोगी। फिर वो खुशी खुशी उस नेल पॉलिश के पेड़ को अपने घर लेकर चली जाती है। वो घर के पीछे वाले मैदान में जाके उस नेल पॉलिश के पेड़ को लगा देती है। वो हर रोज उसको पानी देती, उसकी सेवा करती। एक दिन उस पे नेल पॉलिश लगती है, वो उसको ले लेती है और इच्छा करती है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर सा नेल पॉलिश का घर आ जाए। वो जादुई पौधे से नेल पॉलिश तो ले लेती है और आ जाती है खाली मैदान में। वो उस नेल पॉलिश को जमीन पर रखती है, देखते ही देखते वो नेल पॉलिश एक घर में बदल जाती है। वो उसके अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती ही रह जाती है। अंदर से वो एकदम महल जैसा था, वो बहुत खुश हो जाती है। ये जादुई नेल पॉलिश, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ स्वादिष्ट खाना ला मेरे लिए। और इतना बोलते ही उसके आगे बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। वो मस्त खाना खाती है और अंदर जाती है, तभी उसे दिखता है बहुत सारा सोना और पैसा। वो उसके बाद खुशी खुशी उस जादुई नेल पॉलिश के घर में रहने लगती है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है। और एक दिन वो बहुत बड़ी ऑफिसर बनती है और अपनी माँ का सपना पूरा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।